हम सब लोग ध्यान साधना तब जप करते हैं, उसका फल हमें इसी तरह मिलता है। सत्कर्म करने के बाद और सत्कर्म करने का अवसर मिलता रहे, इसको ही हम भगवान की कृपा मानते हैं। खाना पीना कमाना मकान प्रमोशन उन्नति, ये भगवान की कृपा में नहीं, ये सब हमारी मेहनत पुरुषार्थ में आता है। हम कितनी भी मेहनत करें परिश्रम करें, पर हम मेहनत करने से परिश्रम करने से सत्कर्म करने वाली जगह पर नहीं जा सकते, वो भगवान की कृपा होती है तो ही जा सकते। एक परिवार में इकलौता बच्चा बीमार हो गया तो पूरा गांव उस परिवार के प्रति संवेदना रखता था। बालक इतना सीरियस हो गया कि उसे डॉक्टरों ने घर भेज दिया और वही डरावनी वाली बात कही जो सबके साथ कभी कभी हो जाता है, भाई जाओ सेवा करो अब बचेगा नहीं। इकलौता बच्चा है, पूरा परिवार परेशान है और पूरे गांव के प्रति अच्छी भावना है, सारा गांव उनको चाहता है उनके बच्चे के लिए, सभी गांव वाले भगवान के चरणों में अपनी अपनी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। गांव के सभी लोगों ने प्रार्थना की भगवान से, जिसको जैसा आया जैसी भक्ति थी वैसा भगवान के साथ प्रेम किया। किसी ने कहा हमारे बच्चे का पुण्य दे दो उस बच्चे को, कोई कहता मेरा पुण्य दे दो, किसी ने घी का दिया लगाया, किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने कुछ चढ़ाया, पर बालक की हालत बिगड़ती जा रही है, बालक सुधरने की नाम नहीं लेती हालत। उस गांव में ही एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नित्य नियम से भगवान का ध्यान करता था और उसके पीछे कभी कुछ भगवान से न कहता था न बोलता था न मांगता था। पूरी गांव की प्रार्थना तो भगवान के चरणों में अर्पण हो गई। अब गांव वाले बस एक ही बात सोचते ही कि न जाने कब भगवान सुनेंगे और न जाने किस भक्त का पुण्य भगवान को स्वीकार होगा जो बच्चे की जान बचेगी। एक और गांव में ऐसा प्राणी था जो बहुत सामान्य तो था पर खाने पीने सोने जगने घूमने फिरने कमाने में सब में उसके खंडन हो जाता था, पर भगवान की भक्ति में कभी खंडन नहीं होता था। गांव के सभी लोग भगवान की खूब भक्ति करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, तीर्थ करते थे, पर कभी कभी प्रपंच में संसार के प्रलोभन में उनकी 8-8, 7-7 दिन भक्ति खंडित भी हो जाती थी। जिसने संसार में खंडन किया पर भगवान की भक्ति में कभी खंडन नहीं हुआ और बहुत कम समय भगवान को देता था, पर नियम से अंत में सब लोगों को महीनों निकल गए, बच्चा बिल्कुल नाजुक हो गया। अब सब लोग कहने लगे न जाने भगवान क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुन रहे। अंत में सभी गांव वालों ने कहा कि भाई देखो एक ही आदमी ऐसा रह गया है जिसने भगवान को माथा नहीं टेका है, वैसे तो वो कोई ज्यादा भगत नहीं है और उसको कभी भक्ति करते देखा नहीं किसी ने, पर गांव वालों का सही सोचना था कि हो सकता है शायद कभी कभार उसने भी की हो तो एक दो पुण्य होगा तो वो लग जाए तो लग जाए, क्यों ना उसे भी कहा जाए। उस आदमी के पास गए, भैया चलो खेत पे बैठे रहते हो, गांव में क्या दुख आया है तुम्हें, कुछ एहसास नहीं है, तुम भी भगवान से कहो कि बच्चे की जान बचे।
उसने भगवान के चरणों में एक पत्र लिख करके रख दिया मूर्ति के सामने, कहो आप चाहे व्यापक निराकार ब्रह्म परमात्मा के सामने उसने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में जो उसे लिखना था बच्चे के लिए वो लिख दिया। बस उस पत्र को जैसे ही भगवान को समर्पित किया उसने जमीन पर रखा, शाम होते होते बच्चे की हालत पूरी तरह से शुद्ध हो गई, अच्छी हो गई, बच्चा सुधर गया, बच्चा खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया। सारे गांव वालों का तो ध्यान ही था कि सबने भक्ति की, सबने पूजा पाठ किया है, पर भगवान ने तब नहीं सुना, और इस आदमी ने एक चिट्ठी लिख के रखी, उसके बाद ही सब बच्चे की हालत सुधरने लगी। तो गांव वाले शांत नहीं बैठते, गांव वालों ने कहा भाई जानकारी तो करनी पड़ेगी, ऐसा क्या इसने लिखा था और ऐसा कौन सा पुण्य इसके खाते में था जो पुण्य बच्चे को लग गया। तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने पूरे गांव वालों को कहा कि तुम सबकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, पर तुम सब लोगों ने जो भक्ति की है वो ऐसी भक्ति है जिसमें तुमने कुछ न कुछ उपेक्षा रखी, कुछ न कुछ ऐसा भाव रखा कि तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुमने मुझे पूजा, व्रत किया, उपवास किया, पर उसके बदले तुमने कभी न कभी कुछ न कुछ मुझसे लिया है, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना बच्चे को स्वीकार नहीं की गई। और ये जो बंदा था जिसने पत्र लिखा, इस बंदे की भक्ति से मैं प्रसन्न होके उसके ही पुण्य को मैंने बच्चे को देकर स्वस्थ किया है। इसीलिए भक्ति का सीधा मतलब ये रहता है कि हम भगवान के ऋण को उतार रहे हैं उनका नाम लेकर, उनकी पूजा करके, बल्कि हम उन्हें पूजा करके नाम लेके कुछ मांग रहे हैं। तो मांगने वाली जो भक्ति है वो कभी दूसरे के दुख में काम नहीं आती, और जो भगवान का ऋण उतारने के लिए भक्ति होती है वो हमेशा परिवार के, पड़ोस अड़ोस, समाज के दुखों में भी काम आती है। इसीलिए ये दृष्टांत ये कह रहा है कि निरंतर भक्ति करते रहना, पूजा करते रहना, तीर्थ जाते रहना, इस भक्ति से भगवान जो तुम्हें प्रदान करे वो तो तुम्हारा है, पर भगवान से बिन मांगे भक्ति करो। और पुरुषार्थ की भक्ति, अपना नित्य नियम, अपना कर्तव्य समझ के भगवान को भजो, क्योंकि इतनी सुंदर संसार भगवान ने हमें दिया, इतनी सुंदर काया हमें, बच्चों से खुशी मिलती है, ऐसे बच्चे नाती पोते हमें दिए, ऐसा सुख देने वाले प्रभु से और बार बार क्या भक्ति में मांगना। इसीलिए कभी भी विपत्ति आएगी, संकट आएगा, कभी औलाद भी बीमार हो सकती है, कभी परिवार में कोई सदस्य बीमार हो सकता है, डॉक्टर काम नहीं करते, साइंस काम नहीं करती, तो भगवान की जरूरत पड़ती है। अच्छा फिर भगवान भी नहीं काम करते क्योंकि हमारी तो तिजोरी खाली है, हमने जो भजा, जो गाया, जो गीत भजन, पूजा पाठ, अर्चन बंदन हवन यज्ञ, उसका तो हमने ही भगवान से लेके भोग लिया। अगर हमारी झोली में पुरुषार्थ बचा नहीं है तो हमारी प्रार्थना को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये जो तीन शब्द मैंने गाए हैं इसमें स्तुति प्रथम है, उपासना द्वितीय है और प्रार्थना तृतीय है। पहले भगवान की खूब स्तुति होनी चाहिए, फिर भगवान की उपासना होनी चाहिए, और बाद में जब सब दुनिया कुछ न करे तब प्रार्थना होनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम क्या है वो सुनो, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी भक्ति बाद में शुरू होती है, पहले प्रार्थना शुरू हो जाती है। हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए इतनी बार ये काम करूंगा, इतने दिन का व्रत करूंगा, इतने मंत्र का जाप करवाऊंगा, इतना कन्यादान दान करूंगा, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं ये सब सब करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि पहले भगवान काम बनाओ और बाद में हम स्तुति करें, भगवान की वंदना करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। तो इस तरह की जो भक्ति है ये खोखली भक्ति है।